तो दोस्तों, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का फोर्थ लेक्चर है। आज तक हमने जो किया है वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन किया है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया है पिछले तीन लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन होगा टूवर्ड्स थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस, उनको डिराइव करना, उनका इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, राइट। और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आखिरी टॉपिक है जिससे हम डील करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, फाइन। तो चलिए थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस की तरफ बढ़ते हैं। एंड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को तीन तरीके से हम डिराइव करेंगे, एक एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड एंड तीसरा कैलकुलस मेथड, फाइन। सो इन तीन तरीकों से हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डेराइव करेंगे, जो हमारे पास ना कि सिर्फ इस चैप्टर में, थ्रू आउट 11th स्टैंडर्ड में काम में आने वाला है। वो थ्री इक्वेशंस हैं कौन सी जिसे हमें डेराइव करना है? सबसे पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। इनके अंदर u, v, a, s, t क्या है? अगर हम बात करें u की तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, v की बात करें तो ये फाइनल वेलोसिटी है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे, बट इस केस में क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन में सेम होते हैं। टू बी एक्सेलरेशन सेम, टू बी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, वी नीड टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। और ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें ये सारी हरकतें हो रही हैं, जिसमें वो s ट्रैवल कर रहा है, जिसमें वो अपनी वेलोसिटी को u से v में बदल रहा है, ये वो टाइम इंटरवल है, फाइन। ये पांच चीज़ें यूज़ हो रही हैं। स्टार मार्कर पॉइंट आपके पास क्या है? आपके पास स्टार मार्कर पॉइंट है दैट दीज इक्वेशंस विल बी एप्लीकेबल only for uniform acceleration, only for uniform acceleration। अगर uniform acceleration होगी तो ही ये तीन equations apply करेंगे, अगर non-uniform होगी तो ये तीन equations apply हम नहीं कर सकते हैं, fine। चलिए derivation की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी derivation के अंदर जब भी आप किसी formula को derive करना चाहते हैं, वो derivation, वो formula depend करता है कहानी पर, कहानी किसी भी सिनेरियो के बारे में, और वो सिनेरियो मेंशन करे बिना आप डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन में यूज़ होने वाली चीज़ों को आपको पहले बताना पड़ेगा कौन सी चीज़ क्या है, तो एक कहानी बननी पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है। लेट देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू एंड आफ्टर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद ए फॉर टाइम टी इट एक्वायर्स अ फाइनल वेलोसिटी वी एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इट ट्रेवल्स एस डिस्प्लेसमेंट। ये है वो कहानी जिसको आपको बनना पड़ेगा, एंड इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी डेरिवेशन। दैट अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो क्या वहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेराइव कर रहा हूँ, क्या एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है? बाय व्हाट डेफिनेशन? ये बात मुझे कहाँ से मिली? डेफिनेशन से। क्या a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t होगा? बिल्कुल होगा। क्या ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू होगा? बिल्कुल। क्या v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होगा? तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव्ड हो गई दोस्तों, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जो कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से सिंपली डिफाइंड करके आपने डिराइव कर दिया। सेकेंड इक्वेशन की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड
एंड थर्ड, दोनों का रास्ता इनिशियली सेम है, इनिशियली दोनों का रास्ता सेम है, आगे जाके मोड चेंज हो जाते हैं। तो पहले इनिशियली कहाँ तक सेम है सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को डेरिव करना वो देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एस अपॉन टी, एंड एक इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। तो दोनों ही अगर एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। एस अपॉन टी इज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, कितना डिस्प्लेसमेंट किया था एस ट्रेवल कितने टाइम में टी, कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी यू और कितनी फाइनल वेलोसिटी थी वी, यू प्लस वी बाई टू एन एस बाई टी। इसको अगर इक्वेट करेंगे तो आप लिख लेंगे एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू के साथ मल्टीप्लाई होने आया है टी, राइट। यहाँ तक सेम है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन। यहाँ से दो राहें निकलती हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, एक राह निकलती है, एक राह थर्ड इक्वेशन के लिए निकलती है। और वो कौन सी राह होगी ये पहचानना बड़ा आसान है अगर आपको तीन इक्वेशंस याद है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, सेकेंड इक्वेशन में और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपके सामने है। ऐसी कौन सी चीज यहां पर अवेलेबल है, ध्यान से देखिएगा, ऐसी कौन सी चीज यहां पर अवेलेबल है जो सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अवेलेबल नहीं है। फिर दोबारा पूछ रहा हूं मैं, कई बच्चे आंसर गलत देते हैं। मैंने ये नहीं पूछा वहां ऐसा क्या है जो यहां नहीं है, मैंने पूछा यहां ऐसा क्या है जो उस इक्वेशन में नहीं है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में नहीं है लेकिन यहां है। तो जो यहां है वो वहां नहीं है, इसका मतलब उसे हमें रिप्लेस करना है, वो कौन है ये आपको ढूंढना है, फाइन। सिमिलर क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि थर्ड इक्वेशन में ऐसा क्या है, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस में ऐसा क्या नहीं है जो यहां है। यहां पर इस फॉर्मूले में ये वाला जो यहां पर आपके पास इक्वेशन है इसमें ऐसा क्या है जो थर्ड इक्वेशन में नहीं है, ये आपको सोचना है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस में नहीं है लेकिन यहां है, तो उस चीज को आपको रिप्लेस करना है। बस इन दोनों लक्ष्यों की तरफ चलिए अपने और आप सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन की तरफ पहुंच जाएंगे, फाइन। तो चलिए मैं सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आपके लिए सॉल्व करता हूँ। यहाँ तक दोनों की डेरिवेशन सेम है, इसके आगे क्या करना है वो देखते हैं और हेल्प लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन की इसमें। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ पर मुझे v दिखाई दे रहा है और ये v सेकेंड इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कहीं पर भी आपको v नहीं दिखाई देगा, फाइन। तो v को रिप्लेस करना है हमें। सो दोस्तों यहाँ पर s इज इक्वल टू यू प्लस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं। तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आप v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं। इधर फर्स्ट इक्वेशन आपको कहती है v की जगह आप u प्लस ए टी लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में u प्लस ए टी लिख लीजिए। तो ब्रैकेट में जहाँ u प्लस v था वहाँ अब u प्लस ए टी है होल अपॉन टू इंटू टी। नाउ u प्लस यू इज टू यू इंटू टी बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। सो u प्लस यू टू यू हो जाता है, टू यू को मैंने t के साथ मल्टीप्लाई करा और डिवाइड में टू अलग से दे दिया, और 80 को भी t के साथ मल्टीप्लाई करा 80 स्क्वायर डिवाइड में 2 दे दिया। सो यहाँ पर मेरे पास आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन डराइव हो गई, सेकेंड इक्वेशन, फाइन। अब थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं और थर्ड इक्वेशन में मुझे पता है कि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में t एक ऐसी चीज़ है जो थर्ड इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस में t अवेलेबल नहीं है। तो जब t अवेलेबल नहीं है तो क्यों ना हम t को रिप्लेस कर दें, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू ब्रैकेट इन टू। टी को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू बाई ए। देखिए आप यहाँ से क्या आप ये लिख सकते हैं, टी को अकेला यहाँ छोड़ दें तो ए नीचे आके डिवाइड में आके वी माइनस यू बाई ए लिख देगा टी। तो यू वी प्लस यू एंड वी माइनस यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा टू ए इज इक्वल्स टू में क्या एस। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन, राइट। यही तीन फॉर्मूले आपको डिराइव करने थे, आपने ये तीनों फॉर्मूले डिराइव कर लिए। ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है एंड ये आपके पास थर्ड आ गया। जैसे अभी ये तीन फॉर्मूले हमने डिराइव करे एलजेब्रिक मेथड से, अब हम इसे डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और ग्राफिकल के बाद फाइनली इस स्टैंडर्ड में जो हम सीखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड, जो थोड़ा अलग है तीन इक्वेशंस को ड्राइव करने का प्रोसीजर, उसको हम कहते हैं कैलकुलस मेथड।
अगेन दोस्तों ग्राफिकल मेथड में भी पहले आपको वही सेम सिनेरियो लिखना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है जो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली विद ए फॉर टाइम टी एंड इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी वी ड्यूरिंग दिस टाइम इट ट्रेवल्स इज डिस्प्लेसमेंट। ये वो ग्राफ है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऐसा ही होता है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ जीरो नहीं होगी, स्टार्टिंग पॉइंट यू होगा यहाँ पर, और फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा टी टाइम तक के लिए। इस ग्राफ में आपको बेसिकली एक बारी एरिया निकालना है, एक बारी स्लोप निकालना है फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, और दो बारी अलग अलग तरीके से एरिया निकालना है आपको, फाइन। तो सबसे पहले हम स्लोप की बात करते हैं ताकि फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो सके। स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। सो यहां पर आप देखिए चेंज इन वाई एक्सिस में आप लिखेंगे BE, क्योंकि ये फाइनल है, इतनी ही है ना हाइट इसकी y एक्सिस में पैरेलली। BE माइनस DE, होल अपॉन OT। सो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल थी उसकी हाइट y एक्सिस के अकॉर्डिंगली v माइनस DE जो था वो पैरेलली देखिए u दिखेगा, होल अपॉन में दिखेगा t। एंड स्लोप क्या बताता है एक वीटी ग्राफ में? एक्सेलरेशन। क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग एरिया लेंगे इसी वीटी ग्राफ का एरिया, लेकिन एरिया लेने का एक तरीका है, यहाँ पर दो तरीके से एरिया कंसिडर किया जा सकता है, एक तो पूरा का पूरा ट्रेपीजियम, और या दूसरा तरीका है कि इसका रेक्टेंगल और ट्रायंगल ऐड करना। या तो इसको ट्रेपीजियम के तौर पर एरिया ले लीजिए या इसका रेक्टेंगल और ट्रायंगल ऐड कर लीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में बिलीव रखेंगे, राइट। सो एरिया ऑफ ओ ए बी ई ओ, क्लोज फिगर बनानी है आपको तो ओ ए बी ई ओ तक जाना पड़ेगा आपको वापस से, विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, इन दोनों एरियाज को ऐड करना है। अच्छा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देता क्या है ये तो हमें पता ही है। एरिया ऑफ वीटी हमें ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, विच इज एस। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है तो डिस्टेंस बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, विच इज एस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए देखते हैं लेंथ कौन है। लेंथ है रेक्टेंगल में ओ ए और ब्रेथ है ओ टी ओ ई सॉरी ओ ई। एंड अगर हम बात करें हाफ इंटू बेस ऑफ द ट्राइंगल इज ए डी, हाइट है बी डी। नाउ ओ इज वॉट? यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए डी। कितना है ए डी? भी टी है लेकिन हाइट कितनी है? हाइट बी डी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो बी डी निकालने के लिए बी ई में से डी ई माइनस करेंगे, बी ई में से डी ई माइनस करेंगे तो बी डी आ जाएगा आपके पास, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बी ई माइनस डी ई। सो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू टी v माइनस यू। अगर यहाँ से मैं देखूँ कि v माइनस यू क्या है, इधर देखिए v माइनस यू क्या है? at है। v माइनस यू क्या है? at है। तो क्यों ना मैं यहाँ पुट कर दूँ ut टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि v माइनस यू अगर at है दोस्तों, v माइनस यू अगर at है तो at टी इंटू टी कितना होता है? at टी इंटू टी हो जाएगा हमारे पास at स्क्वायर। सो यहाँ पर ये s इज इक्वल टू ut टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। सिमिलर तरीके से आप थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। आपको दोबारा से एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ई ओ का एरिया, क्योंकि इस बारी भी एस यूज होता है थर्ड इक्वेशन में, लेकिन ये एरिया जो निकालेंगे आप वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई। ओ ए बी ई एक ट्रेपीजियम के तौर पे अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इंटू ऑल्टीट्यूड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कौन आएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आएगा ओ ए प्लस बी ई, और ऑल्टीट्यूड के तौर पे कौन आएगा? ए डी या ओ ई, कुछ भी ले लीजिए, ए डी या ओ ई, दोनों ही ऑल्टीट्यूड है, दोनों ही इक्वल है, सेम है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओ ए कितना है? यू प्लस बी ई कितना है? वी। ओ ई कितना है? टी। अब थर्ड इक्वेशन में टी तो दिखता नहीं है, जब टी दिखता नहीं है तो टी को रिप्लेस कर लेते हैं, कैसे? हाफ ब्रैकेट में वी प्लस यू इंटू टी की जगह लिख लेंगे वी माइनस यू अपॉन ए। यहाँ पर देखिए, क्या ये वी माइनस यू के नीचे अगर ए आ जाए, ए टी से ए नीचे डिवाइड होने आ जाए, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इज इक्वल टू एस, सो एस इज इक्वल टू ए एस, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। क्या ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई? क्योंकि आप यहाँ पर v प्लस यू और v माइनस यू को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में 2a है, और लेफ्ट साइड में s क्यों चल रहा है? क्योंकि एरिया है, लेफ्ट साइड में एरिया है, और एरिया ऑफ vt ग्राफ विल गिव यू s ऑलवेज। तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस डिराइव हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन डिराइव हुई है, एंड ये थर्ड इक्वेशन डिराइव हुई है, राइट? तीन इक्वेशन वापस से आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आर टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। तो दो मेथड से आपने डेराइव कर लिया तीन इक्वेशंस को, पहला एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। ये दोनों मेथड आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं 9th स्टैंडर्ड तक। इस साल अब आप तीसरे मेथड से डेराइव करने जा रहे हैं, तीसरा मेथड है कैलकुलस मेथड। सो अगेन आपके पास विद सम इनिशियल कंडीशंस चीज़ें तैयार हैं। कैलकुलस मेथड में भी आपको एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यू से वी वेलोसिटी तक पहुँच चुका है, जीरो से टी टाइम में, राइट? एंड इस दौरान उसकी पोजिशन जो थी वो ज़ीरो टू एस हो चुकी है पोजीशन। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ट्रैवल्स एस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको तीनों इक्वेशन डिराइव करनी है। तो सबसे पहले, क्या आप एक्सेलरेशन को कैलकुलस मेथड में ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी के फॉर्म में जानते हैं? ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू एक्सेलरेशन। सो डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो दोनों साइड इंटीग्रेट करके आप लिखेंगे डी वी ए डी टी, यू टू वी होगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको लिमिट सेट करनी होती है इनिशियल टू फाइनल, लोअर एंड अपर लिमिट, और इसकी लिमिट होगी जीरो टू टी, क्योंकि जब ये जीरो टाइम पे था तो उसकी वेलोसिटी यू थी, और जब ये टी टाइम पे था तो उसकी वेलोसिटी वी थी, इसलिए लिमिट्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड की। तो बात बड़े ध्यान से सोच के लिमिट पुट करिएगा कि क्या चीज़ फिट भी बैठ रही है एक साथ। डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी, यू टू वी, ए क्योंकि यूनिफॉर्म है कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी जीरो टू टी। ये हो जाएगा वी माइनस यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके, और ये भी होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा ए टी जिसके पास यू ऐड होने आया, जो यहाँ का यू माइनस था वो यहाँ आके ऐड होगा ए टी के पास, और वी अकेला रह जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई दोस्तों हमारी। सेकेंड इक्वेशन के लिए, जैसे हमने ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिया है, वैसे ही हम वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी ले सकते हैं, क्योंकि पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी आती है। नाउ v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी में क्या हम डी एक्स को v डी टी लिख सकते हैं एज यूजुअल? क्या डी एक्स के साथ v डी टी की जगह u प्लस ए टी इंटू डी टी लिख सकते हैं? क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो हमने u प्लस ए टी इंटू डी टी लिख लिया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स अगेन, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज जीरो टू एस, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया था, जीरो से एस तक पोजीशन गई होगी तभी एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ यू प्लस ए टी इंटू डी
u+at dt के रिस्पेक्ट में इंडिकेट हो रहा है फ्रॉम 0 टू t, क्योंकि dt के टर्म्स में इंडिकेट हो रहा है तो लिमिट्स भी टाइम की होंगी. dx का इंडिकेशन होता है x, जिसमें 0 टू s लोअर टू अपर लिमिट है. और u dt का अलग इंटीग्रेशन होगा 0 टू t. at dt स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन होगा 0 टू t, जिसमें a आप बाहर ले आए. क्यों ले आए a आप बाहर at dt में? क्योंकि a एक कॉन्स्टेंट है, राइट? तो x के इंटीग्रेशन होने के बाद वो s माइनस 0 s होगा. ये ut होगा और ये हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t का इंटीग्रेशन जो होता है dt के टर्म्स में, t का इंटीग्रेशन dt के टर्म्स में होता है टी स्क्वायर बाई टू. टी का इंटीग्रेशन डी टी के टर्म्स में क्या होता है? टी स्क्वायर बाय टू. तो टी स्क्वायर बाय टू दिखने लग जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर. और ये यू डी टी का इंटीग्रेशन में यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बट डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, राइट? और जीरो टू टी, जीरो टू टी लिमिट जब आप पुट करेंगे तो वो टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो टी ही रहेगा. तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, एस इज इक्वल टू यू डी प्लस आर डी स्क्वायर. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन दिलाई होगी. थर्ड इक्वेशन के लिए आपने पहले फॉर्मूला कंसीडर करा a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. फिर आपने a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डी एक्स. मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. डी वी बाई डी एक्स अलग से लिखा और डी एक्स बाई डी टी अलग से लिख लिया. आपने इंटरचेंज कर लिया नीचे से, जिसमें डी वी बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई हुआ v, यहाँ रहा a. तो आपने क्या लिखा? v डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एक्स. v डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एक्स. इंडिकेटिंग ऑन बोथ साइड्स अगेन, यहाँ लिमिट पुट होंगी u टू v, क्योंकि वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली इंडिकेट हो रहा है लेफ्ट साइड में. और यहाँ पुट होंगी 0 टू s, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली इंडिकेट हो रहा है. v डी वी का इंडिकेशन होता है v स्क्वायर बाई टू u टू v. a कॉन्स्टेंट बाहर आया और dx का इंडिकेशन होता है x, 0 टू s, राइट? नाउ v स्क्वायर बाई टू में u और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन टू लिख दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और यहाँ a इंटू s हो जाएगा, क्योंकि s माइनस 0 s होता है. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a s. ये जो 2 डिवाइड में था वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया. ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन, राइट? तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास कैलकुलस मेथड से भी. v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a s. ये हमारे पास तीन इक्वेशंस की डेरिवेशन है. ध्यान से देख लीजिए आपने किस किस फॉर्मूले का यूज़ किया है. पहले में आपने a इज इक्वल्स टू dv बाई dt यूज़ किया था, दूसरे में आपने v इज इक्वल्स टू dx बाई dt यूज़ किया था, एंड तीसरे में a इज इक्वल्स टू dv बाई dt ही यूज़ किया था दोबारा से, बट dx मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ये तीन फॉर्मूलाज ऐसे डिराइव करें आपने कैलकुलस मेथड से, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हो. अब डिस्टेंस ऑफ nth टाइम या nth सेकेंड में कैलकुलेट करने वाले डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं हम लोग, उसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं. अगेन आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड को दो तरीके से डेरिवेशन यहाँ देख रहे हैं आप. ये जो है वो एलजेब्रिक है और ये जो है वो कैलकुलस है, राइट? पहले एलजेब्रिक देखते हैं. सो कह रहे हैं लेट द u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम sn टू sn माइनस 1. sn माइनस 1 उसकी इनिशियल पोजीशन थी और sn उसकी फाइनल पोजीशन थी एट n माइनस 1 सेकेंड से n सेकेंड्स तक, राइट? तो इसको हम nth सेकेंड कहते हैं. अच्छा, सेकेंड लेट से थर्ड सेकेंड किसको कहेंगे हम? थर्ड सेकेंड 0 से 1 तक फर्स्ट सेकेंड होता है, 1 से 2 तक सेकेंड सेकेंड होता है, तो सेकेंड से थर्ड तक, 3 तक, 2 से 3 तक थर्ड सेकेंड होता है. तो आप देखिए आपने थर्ड सेकेंड किसको कहा? थर्ड सेकेंड कहा n, और n में से एक कम किया n माइनस 1, इसके बीच के सेकेंड को कहा ना थर्ड सेकेंड. तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन होगा एग्जैक्टली nth सेकेंड, तो आप क्या कहेंगे? n माइनस 1 से n सेकेंड्स तक के बीच में होता है nth सेकेंड.
डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा इस nth सेकंड में, अगर एक बात बताइए मैं पोजीशन आपको बता दूं n-1 की, कि 0 से लेकर n-1 तक क्या पोजीशन थी, और फिर बता दूं 0 से लेकर n सेकंड्स तक क्या पोजीशन थी, तो आप n सेकंड में से n-1 सेकंड्स वाली पोजीशन माइनस करके निकाल लेंगे ना बीच के क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टी सेकंड्स ये होता है s = ut + r2 स्क्वायर। इस टी को आपने एन से रिप्लेस किया तो एस एन क्या आएगा, दिस यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और इस टी को अगर आपने एन माइनस वन सेकेंड से कम रिप्लेस किया तो क्या आएगा, दिस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप एस एन में से एस एन माइनस वन सेकेंड वाले को माइनस कर दीजिए तो आपका nth सेकेंड आ जाएगा, nth सेकेंड के बीच में डिस्टेंस। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर एस एन के लिए माइनस ऑफ ब्रैकेट दिस यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब इसको आप खोलेंगे तो यू एन माइनस यू होगा, तो यू एन माइनस में हो जाएगा और माइनस यू जो है वो प्लस में हो जाएगा। वैसे ही ये एन माइनस वन का होल स्क्वायर होता है एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, तो हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, हाफ इंटू ए इंटू वन हो जाएगा माइनस में, लेकिन जो हाफ इंटू ए इंटू माइनस टू एन था वो यहाँ माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस विच इज़ ए एन। चीज़ें जो कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, यू एन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसिल होता हुआ, राइट, हाफ एन स्क्वायर हाफ एन स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसिल होता हुआ, तो बचेगा कौन, बचेगा एक यू, एक माइनस ए बाई एन और एक प्लस ए एन, कॉमन ले लेंगे इसमें से ए, तो ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, एन माइनस हाफ, सो यू प्लस ए एन माइनस हाफ, ये आपका nth सेकंड का फॉर्मूला है। एलसीएम लेना चाहते हैं आप तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये टू यहाँ आ जाएगा तो टू एन माइनस वन हो जाएगा और नीचे यहाँ पर टू इस तरफ आ जाएगा, एलसीएम लेके ऐसा हो जाएगा। वैसे ये रिलेशन भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। ये आपका एलजेब्रिक मेथड था दोस्तों। कैलकुलस मेथड में आपने क्या किया, कैलकुलस मेथड में जिस तरीके से आप सेकंड इक्वेशन को डिराइव करते थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैलकुलस मेथड से सेकंड इक्वेशन को डिराइव करके दिखाया है, v = dx / dt, जिसमें dx = vdt होता है और v को आप चेंज करते हैं u + at के फॉर्म में, dt का इंडिकेट करते हैं और dx को अलग से, वैसे ही करेंगे, बस फर्क इतना वहां आपको याद होगा मैं 0 टू t लिख रहा था टाइम, यहां मैं कौन सा टाइम लिखूंगा n - 1 से nth सेकंड तक का, और वहां मैं 0 टू s लिख रहा था, यहां मैं क्या लिखूंगा sn - 1 से sn तक का, ताकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करूं तो फाइनली मेरे पास dn आ जाए, nth डिस्टेंस आ जाए। फाइन, चीज़ें कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अगेन u dt हो जाएगा ut, at dt हो जाएगा at square by 2, ut और at square by 2, ut में t जो होगा वो क्या आएगा n माइनस ऑफ n माइनस वन, जैसे कि ये दिख रहा है, और हाफ at square में at square by 2 में हाफ a तो बाहर चले आएंगे, लेकिन t square में क्या होगा, पहले आएगा n का स्क्वायर फिर माइनस होगा एन माइनस वन का स्क्वायर। सिमिलरली डी एक्स का इंडिकेशन भले ही एस एक्स होता है, लेकिन अपर लिमिट होगा एस एन और लोअर लिमिट होगा एस एन माइनस वन, उसको माइनस करेंगे तो एस एन एथ सेकेंड आ जाएगा। इसको इधर सॉल्व करेंगे हमारे पास वापस सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो यहाँ आया था, फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा दोस्तों, बस फर्क क्या है तरीके का, ये एलजेब्रिक लेवल पे है और ये कैलकुलस लेवल पे है। ये फॉर्मूला देख लीजिए एन एथ सेकेंड का, ये फॉर्मूला ये आपको बार बार इस्तेमाल में आएगा। तो आपके पास चार फॉर्मूले हमने डिस्कस करे हैं अभी तक, और चार फॉर्मूलों को हमने डिराइव करा है एलजेब्रिक, ग्राफिकल और कैलकुलस से, जिसमें इसमें हमने ग्राफिकल मेथड तो नहीं करा बट हमने एलजेब्रिक और कैलकुलस इसमें भी किया है एन सेकंड में, राइट। तो वो चार फॉर्मूले कौन से हैं आपके, वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। सो ये हैं वो चार फॉर्मूले आपके पास। सबसे पहले थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस आर डी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस। फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन सेकंड का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन, देर एन इज वॉट nth सेकेंड, ये u है इनिशियल वेलोसिटी, ये a है एक्सेलरेशन, ये n है nth सेकेंड, जिस पर भी आपको डिस्टेंस का भी पता लगाना है अपना। फाइन, ये चार फॉर्मूले और इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से। सो अभी तक हमने जितने फॉर्मूला सीखे उनके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करने का समय आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड्स टू वन अनदर इन द सेम रेशो, मतलब हर सेकेंड कवर होने वाला डिस्टेंस की रेशो जो है वो ये रहने वाली है। सो एक फॉलिंग बॉडी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है हम ये जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं, राइट, 9.8 होती है, आप चाहें तो उसको 10 कंसिडर कर लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समवेयर अबाउट, फाइन। और जैसा कि इस क्वेश्चन ने कहा है हमें हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब हर एक सेकंड का जो डिस्टेंस का रेशियो रहने वाला है वो 1:3:5:7 रहने वाला है, तो हर एक सेकंड का मतलब क्या, हम फर्स्ट सेकंड का निकालेंगे
देन सेकेंड सेकेंड का निकालेंगे, देन थर्ड सेकेंड का निकालेंगे, देन फोर्थ एंड सो ऑन. अगर निकालते जाएंगे तो रेशो जो रहेगी हमारी, अभी जो हमें दिखेगी वही रेशो आगे रहने वाली है, राइट. फॉर्मूला एक ही है dn का, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन पुट करते हैं. u ज़ीरो हम जानते हैं, प्लस ए बाई टू मतलब टेन बाई टू दैट इज़ फाइव, ब्रैकेट में टू इंटू वन फर्स्ट सेकेंड दैट इज़ टू माइनस वन. सो फाइनली आंसर हमारे पास आया 5 मीटर. फर्स्ट सेकेंड में उन्होंने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. सेकेंड सेकेंड में क्या किया, ज़ीरो प्लस फाइव ब्रैकेट में टू टू ज़ा फोर माइनस वन, 15 मीटर किया. देन ज़ीरो प्लस फाइव थर्ड सेकेंड है, तो यहाँ पर आप n की जगह क्या पुट करेंगे, अब थर्ड थ्री तो थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस वन दैट इज 25 मीटर. फोर्थ सेकेंड में ज़ीरो प्लस फाइव ब्रैकेट में फोर टू ज़ा एट माइनस वन दैट इज 35 मीटर एंड सो ऑन. अगर ये 5:15 25:35 करने लगे हम ऐसे, तो 5 के टेबल में ये रहेगा 1:3:5:7:so on, राइट. सेम रेशो आ रही है जो डिमांड करी थी हमसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 20 मीटर इन द 7th सेकेंड एंड 24 मीटर इन द 9th सेकेंड. अगेन इतनी सी बात पढ़ के ये समझ में आ गया कि Sn का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस वन. s 7 हमें दे रखा है 20 मीटर, जिसमें u हमें नहीं पता, a हमें नहीं पता, राइट, एंड n की जगह हमें 7 पुट करना है. तो ये हमारे को फर्स्ट इक्वेशन दे रहा है u और a के बीच में, दैट इज़ 2u प्लस 7 × 14 − 1 = 13a = 40. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. आप इसको ऊपर इक्वेशन को सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए 2 का और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे. देन अगर सेकंड की बात करूँ तो s 9 की बात कर रखी है इन्होंने 24 मीटर के साथ. 9th सेकंड में 24 मीटर ट्रेवल कराया विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी विद सेम एक्सेलरेशन, बिकॉज ये पूरा चैप्टर और मैंने कहा था आपको 11th स्टैंडर्ड मैक्सिमम हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे डिपेंडेंट है. सो ए यूनिफॉर्म होगा 2 × 9 − 1. अगेन इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आप 2u प्लस 17a = 48. 2 के एलसीएम के लिए, 2 के एलसीएम के साथ सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं. अब इन इक्वेशंस को हम एलिमिनेट करते हैं किसी कोएफिशिएंट को, लेट्स से u को, u वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि उसका कोएफिशिएंट सेम है 2 2, तो u को एलिमिनेट करके a को निकाल लेंगे, a को पुट करके u निकाल लेंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये पूरा आपने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पिछले 2-4 साल से आप यही कर रहे हैं, आई होप आपको आता होगा. सो 2u प्लस 13a = 40 एंड 2u प्लस 17a = 48, इनको आमने सामने रख के साइन चेंज करके हम लोग कहेंगे ये कैंसिल आउट हो गया. 13 17 − 4a दिस इज़ −8, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया तो a आ गया हमारे पास 2. a क्या आ गया 2. एंड सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम, पुट a इन फर्स्ट. सो 2u प्लस 13 × 2 = 14. सो यहाँ पर 40 − 26 = 2u दैट इज 14. 2u = 14, therefore u = what 7. u आ गया 7 m/s, a आया 2 m/s². इन दोनों को अचीव करके अब जो ये हमसे मांग रहा है s15th, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. s15th होगा u प्लस a बाई टू ब्रैकेट 2 × 15 − 1. u हम पुट करेंगे कितना, 7 u हमारा 7 आया है, u 7 था, 7 प्लस a बाई टू विच इज़ 2/2 ब्रैकेट 15 × 30 − 1 29. सो 7 प्लस 29 विच इज़ 36 मीटर. तो 15th सेकेंड में ये ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 36 मीटर विद इनिशियल वेलोसिटी 7 एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 2 m/s². नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे दैट इफ ए बी सी आर द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एलेथ एमथ एंड एनथ सेकेंड देन शो दिस. सो ए बी सी हमारे पास डिस्टेंसेज हैं एक ऐसे पार्टिकल के लिए जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है एलेथ एमथ एनथ सेकेंड पे. तो सबसे पहले एस एन के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन हम जानते हैं वो लिखते हैं एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एल टू एन माइनस वन ब्रैकेट टू एन माइनस वन. नाउ जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारा डिस्टेंस गिवन है ए और हमारा एक्सेलरेशन ए दोनों में फ़र्क दिखाई दे हमें, तो हम यहाँ पर ए को कैपिटल रख रहे हैं सो दैट हम उसमें फ़र्क कर सकें. राइट, ए को मैं यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं स्मॉल ए और कैपिटल ए में मतलब एक्सेलरेशन में और डिस्टेंस में फ़र्क पैदा कर सकूँ. अब जो इन्होंने इक्वेशंस हमें दी हैं हम वो पहले वो देखते हैं. सो ए इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एल माइनस वन. बी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एम माइनस वन एंड सी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन, क्योंकि एलेथ एमथ और एनथ सेकेंड पे डिस्टेंस कवर किए गए हैं ए बी और सी. जैसा दिया था एग्जैक्टली मैंने बस अपने गिवन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इक्वेशंस बना ली. अब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में बारी बारी से वो देखते हैं जो हमें दिखाई देता है. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एम माइनस एन, एम ये है एन ये है, एम माइनस एन मतलब सेकेंड में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करो. तो जैसा ये कहता है एग्जैक्टली वैसा करते हैं जो जो ये कहता है. राइट, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकेंड, थर्ड को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी बी में से सी माइनस होगा और राइट साइड में राइट साइड दैट इज यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एम माइनस वन माइनस u माइनस ए बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन. राइट, तो जो माइनस होना था उसके दोनों प्लस माइनस हो चुके हैं, u एंड u कैंसिल हो गया, a बाई टू कॉमन ब्रैकेट टू एम माइनस वन माइनस टू एन प्लस वन. नाउ ये प्लस माइनस वन कट गया, टू जो कॉमन आएगा वो ए को काट देगा तो ए इज इक्वल्स टू एम माइनस एन. जो टू कॉमन आएगा एम और एन में से वो इस अपॉन के टू को काट देगा तो ए इज दिस. एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या चल रहा है बी माइनस सी, बी माइनस सी. राइट, अगर एम माइनस एन यहीं रख दें तो बी माइनस सी होल अपॉन ए लिखा जाएगा. राइट, ये कौन सी इक्वेशन हुई फोर्थ, ये कौन सी इक्वेशन हुई फोर्थ. अब सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे कि m माइनस एन इज b माइनस सी अपॉन ए, m माइनस एन इज b माइनस सी अपॉन ए, तो बेसिकली इसी तरीके से आप बारी बारी ये देखते जाइए. अब m माइनस एन की जगह मैं अगली बारी n माइनस एल करूँगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट में है l और थर्ड में है n और n माइनस एल चाहिए मुझे, तो इसीलिए फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं. तो डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूँगा मैं n माइनस एल इज इक्वल्स टू c माइनस a होल अपॉन a, जैसे यहाँ पर आई थी इक्वेशन. इस इक्वेशन का नंबर कौन सा है फिफ्थ. देन अगली बारी मेरे को l माइनस m चाहिए तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट L माइनस एन के लिए सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो L माइनस एम दिखने के चांसेस हैं सीधे सीधे. तो यहाँ लिख देंगे हम लोग L माइनस एम इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल अपॉन कैपिटल ए. सो ये बारी बारी से हमारे पास इक्वेशंस तैयार हुई हैं जिसमें फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन M माइनस एन इज इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन ए है, फिफ्थ इक्वेशन n माइनस एल इज इक्वल्स टू सी माइनस ए अपॉन ए है, और फर्स्ट इक्वेशन और हमारे पास अब आई है सिक्स्थ इक्वेशन विच इज l माइनस एम इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. तो जो जो मुझे चाहिए था मेरे प्रूविंग के लिए शो दैट के लिए वो मुझे मैक्सिमम तौर पे मिल चुका है. कमी किस चीज़ की है वो देख लेते हैं. यहाँ पर m माइनस एन है
लेकिन इसके m माइनस एन के साथ साथ a भी मल्टीप्लाइड है, राइट right? अगर हम बात करेंगे इधर n माइनस एल है, लेकिन इस n माइनस एल के साथ b भी मल्टीप्लाई है, और इधर l माइनस एम है और l माइनस एम के साथ c भी मल्टीप्लाइड है, मतलब इधर a की, इधर b की और इधर c की कमी है। तो क्यों ना हम लिखें मल्टीप्लाई फोर्थ विद a, देन फिफ्थ विद b एंड सिक्स्थ विद c एंड देन एड ऑल ऑफ देम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ n माइनस एन के साथ a मल्टीप्लाई, n माइनस एन के l के साथ b मल्टीप्लाई और l माइनस m के साथ c मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये तीनों टर्म्स ऐड भी हो रही हैं। क्या हो रही हैं? ऐड। तो इसलिए मैंने कहा ऐड ऑल ऑफ देम। तो बताइए क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं। फोर्थ को हमने मल्टीप्लाई करा a के साथ, तो लिखूंगा a इंटू एम माइनस एन प्लस, लेफ्ट में अभी लेफ्ट ही ऐड कर रहा हूँ मैं। सिक्स्थ के साथ, फिफ्थ के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा था b, तो फिफ्थ को b से मल्टीप्लाई करा था, तो लिखूंगा b n माइनस एल एंड प्लस सिक्स्थ के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा था c, तो लिखूंगा c l माइनस एल, राइट। लेफ्ट साइड का तो हो गया, लेफ्ट साइड के साथ ऐड मल्टीप्लाई होके। अब बात करते हैं राइट साइड की, तो राइट साइड में कौन है, b माइनस c अपॉन a इंटू a प्लस b ब्रैकेट में c माइनस a अपॉन a प्लस c ब्रैकेट में a माइनस b अपॉन a, क्योंकि आपको राइट और लेफ्ट दोनों से सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करना था। तो अगर इधर से a मल्टीप्लाई करा था तो इधर भी a मल्टीप्लाई करना था, इधर b मल्टीप्लाई करा था तो इधर भी b मल्टीप्लाई करना था, इधर c मल्टीप्लाई करा था तो इधर भी c मल्टीप्लाई करना था, और उसके बाद ऐड कर देना था, राइट। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा राइट साइड जो है वो ज़ीरो है, राइट साइड ज़ीरो है। देखिए ए बी अपॉन ए प्लस में है, राइट, और यहाँ पर माइनस ए बी अपॉन ए माइनस में कट जाएगा, ये यहाँ पर ए सी अपॉन ए माइनस में आने वाला है और यहाँ पर ए सी अपॉन ए प्लस में आने वाला है, देन यहाँ पर बी सी अपॉन ए प्लस में आने वाला है और यहाँ पर बी सी माइनस में आने वाला है, बी सी अपॉन ए माइनस में आने वाला है। तो हर प्लस के लिए माइनस अवेलेबल है राइट साइड में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन लेफ्ट में रह जाएगा ए ब्रैकेट में एम माइनस एन प्लस बी ब्रैकेट में एन माइनस एल प्लस सी ब्रैकेट में एल माइनस एम इज इक्वल्स टू, राइट साइड में सारा का सारा क्या है, ज़ीरो। सारा का सारा राइट साइड में क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि हर प्लस टर्म के लिए माइनस अवेलेबल है। यही आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन हमसे कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड from the top of the multi-story building and the height of the multi-story building is 25 meter from the ground, जहाँ से बॉल फेंकी गई है वो 25 meter from the ground है। आगे के questions क्या exactly question हमसे demand करता है, उससे पहले हमें जब भी ऐसा कुछ दिखता है हमें FBD बनाना चाहिए, free body diagram बनाना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में clear हो जाए scenario कि आखिर चल क्या रहा है, कहाँ से फेंकी गई, किस तरीके का motion execute करेगी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने अपने first lecture या second lecture में कहीं ना कहीं ये बताया होगा कि physics दो लोगों पे डिपेंडेंट है, आपको जितनी फिजिक्स सीखनी है 11th 12th स्टैंडर्ड में वो दो लोगों पे डिपेंडेंट है। पहला एक इंसान जिसके नाम पे फिजिक्स पड़ गई है, न्यूटोनियन फिजिक्स, ऐसी फिजिक्स जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, जिसको आप देख सकते हैं, रोज़ देखते हैं अपने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में। दूसरी वो मॉडर्न फिजिक्स जिसमें कई लोगों का काम है बट वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट, बहुत ईजिली ऑब्जर्व नहीं हो सकता है। और क्यों ना जब तक वो मॉडर्न फिजिक्स नहीं आ जाती, जब तक हमें ऑब्जर्व ना होने पर भी चीज़ों को इमेजिन करना पड़े, और जब तक हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हमें इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी चीज़ें जानते हैं, ऐसी हमने देखी हैं लाइफ में होते हुए, क्यों ना हम उसका लुफ्त उठाएं और FBD बनाएं, राइट। तो ये FBD बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि जब तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं, बॉल फेंकती हुई दिखाई देती है, तब अगर तुम FBD नहीं बना सकते तो जब चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, प्रोटॉन दिखाई नहीं देगा, तब कैसे FBD बनाओगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को अपनी हैबिट में डालो अगर न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने हैं तो। सो बेसिकली अगर एक बॉल को हम 25 मीटर हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर से फेंकते हैं,
तो सबसे पहले तो बॉल ऊपर जाएगी और कुछ एक्स डिस्टेंस कवर करके वापस एक्स डिस्टेंस नीचे आएगी। तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाना और एक्स डिस्टेंस नीचे आना, इसका मतलब ये अभी भी सेम हाइट पे है जहाँ से फेंकी गई थी, और उसके बाद ये और नीचे गिरना शुरू करेगी। दैट इज 25 हमें गिवन है। फाइन, तो हमें निकालना है हाउ हाई द बॉल विल राइज, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट से आखिर बॉल की कितनी हाइट है। तो कितनी हाइट है इस पॉइंट से ग्राउंड से, 25 प्लस एक्स, हमें खाली एक्स पता लगाना है और 25 तो नीचे का हमें पता ही है, तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, लेकिन उसके लिए एक्स पता लगाना ज़रूरी है। अच्छा, ये एक्स कैसे पता लगाएंगे, इस एक्स के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। इस एक्स के लिए हम ये जानते हैं कि u1 वेलोसिटी जो है, u1 वेलोसिटी वो है 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में फेंकी गई है, राइट। फाइनल जो v1 है, ऊपर जाने के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, मेरे पूरे सिनेरियो में वन मतलब वन टर्म, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं वन टर्म मीन्स अपसाइड। तो जहाँ जहाँ मैं वन टर्म मतलब यूज़ कर रहा हूँ वो अपसाइड के लिए है, एंड फिर सेकेंड टर्म के लिए डाउनसाइड यूज़ करूँगा। सो v1 जो है वो ज़ीरो है, हमें पता है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो रहती है किसी मैक्सिमम हाइट पे जाके। और a तो g के इक्वल है, दैट इज़ रफली अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको होता तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन मुझे आप अधिकतर क्वेश्चन में 10 ही लेते हुए देखेंगे, फाइन। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग 10 ना लें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि 10 लेनी है तब तक हम 10 नहीं ले सकते हैं, जब तक मेंशन ना हो। जब तक मेंशन ना हो हमेशा हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेनी चाहिए। मैं जस्ट टू मेक इट ईजी, मेरे को क्योंकि क्वेश्चन सिखाना है यहाँ पर, मेरा जो टास्क है आपको वो क्वेश्चन सिखाना है, ना कि ये दिखाना कि मैं 9.8 को कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, राइट। लेकिन बींग स्टूडेंट आपका ये फ़र्ज़ है कि आप तब तक 10 ना लें जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 10 लेने के लिए, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं दोस्तों आपके, और मुझे कोई टेस्ट नहीं देना तो मेरे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, फाइन। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहले मैं x निकाल रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर। x इज इक्वल्स टू व्हाट, आप v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax लिख सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें v1 जीरो है, माइनस u1 स्क्वायर इज व्हाट 400 इज इक्वल्स टू माइनस 2 × 10 × x। सो 400 अपॉन 20 इज x, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, सो x हमारा आ जाएगा कितना, 20 मीटर। x कितना आ गया, 20 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर की तरफ पहला कदम था, दूसरा कदम हमारे को आंसर की तरफ ले जाएगा। मैंने कहा था हाउ हाई द बॉल विल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, राइट, फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम बोलेंगे 25 प्लस x फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज 45 मीटर, दैट इज 45 मीटर टोटल हाइट। अच्छा, इन्होंने बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, टाइम हमें निकालना है कितना टाइम लेगी बॉल ग्राउंड को हिट करने में, राइट। तो उसमें दो तरीके के टाइम इन्वॉल्व रहेंगे, एक दोस्तों ऊपर जाने का फर्स्ट वाला टाइम ऊपर जाने का, और सेकेंड वाला टाइम डाउनसाइड आने का, राइट। तो टाइम अपसाइड और डाउनसाइड को ऐड करना है, तो पहले अपसाइड का टाइम निकालते हैं। सो टाइम फॉर अपसाइड कितना होगा, v1 माइनस u1 अपॉन a, एंड दिस a इज नेगेटिव हेयर क्योंकि ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव था, राइट। v1 होगा 0 माइनस 20 अपॉन माइनस 10, आंसर आ गया 2 सेकेंड्स। तो टाइम फॉर अपसाइड इज 2 सेकेंड्स, टाइम फॉर, अब हम डाउनसाइड निकाल रहे हैं, टाइम फॉर डाउनसाइड। सो t डाउनसाइड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डाउनसाइड का केस। तो s 2 होगा डाउनसाइड के लिए, u 2t डाउनसाइड प्लस हाफ into at स्क्वायर डाउनसाइड। s 2 डाउनसाइड का डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है बॉल को नीचे गिरते हुए, कितना ट्रेवल करना है, 45 मीटर। एंड जब वो नीचे गिरना स्टार्ट कर रही थी बॉल, तो इस केस के लिए जो फाइनल थी वो इस केस के लिए इनिशियल बनेगी, इस केस की फाइनल इस केस के लिए इनिशियल बनेगी, तो कितनी होगी, जीरो, फाइन। तो 0 × t विल बी 0 प्लस हाफ into, क्योंकि अब ये डाउनसाइड आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, विच इज 10 into t डाउनसाइड का स्क्वायर, ये तो निकालना ही हमें, ये हो गया 5। सो t डाउनसाइड का स्क्वायर इज 9।
देयरफॉर टी डाउन साइड इज 3 seconds. वैसे रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3 होता है, बट यू नो दैट टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम पॉजिटिव ही कंसिडर करना पड़ेगा. सो टोटल टाइम वाइल दिस बॉल इज इन एयर इज टी अपसाइड प्लस टी डाउनसाइड. अपसाइड का 2 सेकेंड और डाउनसाइड में गिरने के लिए 3 सेकेंड्स. तो टोटल कितने लगे? 5 सेकेंड्स बिफोर दिस बॉल हिट्स द ग्राउंड. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी एफबीडी बहुत ज़रूरी है समझना आखिर क्वेश्चन में हो क्या रहा है. दो ट्रेन्स हैं ए एंड बी, आपको दिखाई दे रही हैं दोनों ट्रेन्स, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं विद 20 meter per second की स्पीड ईच, और दोनों ट्रेन्स की लेंथ है 400 meter, राइट. एक समय पे बी के ड्राइवर ने ये डिसाइड किया दैट ही वांट्स टू ओवरटेक ए. सो कुछ इस कदर उसने एक्सेलरेट करा 1 meter per second square से कि 50 सेकेंड बाद जो गार्ड है बी का वो फेस कर सकता है बहुत इजीली ट्रेन ए के ड्राइवर को. सो ये जो डॉटेड वाला पार्ट है वाइट कलर से, तो यहाँ ये एक्चुअली में था 50 सेकेंड बाद ये इस कदर खड़ा हो गई ट्रेन कि ये इसको इजीली फेस कर सकता है, राइट. इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है ये सब दी है, और हमसे पूछा है बस ये एक्स व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट. तो पहले तो इस 50 सेकेंड के लिए मैं आपको बताता हूँ इसे ट्रैवल कितना करना पड़ेगा. इसे ट्रैवल करना पड़ेगा इस गार्ड को यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्स प्लस 400 प्लस 400. सो इस गार्ड को अपने 400 को कवर करना पड़ेगा, खुद के ड्राइवर तक की पोजीशन, फिर ड्राइवर से दूसरे के गार्ड तक की पोजीशन एक्स, और फिर वहाँ से गार्ड के ड्राइवर की पोजीशन 400. तो एक्स प्लस 400 प्लस 400 विच इज 800 प्लस एक्स, इतना ट्रैवल करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, राइट. रिलेटिविटी क्योंकि हम सीख चुके हैं, तो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली अगर हम ये मान लें कि ए ट्रेन जो है वो रेस्ट पे है, तो बी ए ट्रेन को किस स्पीड से अप्रोच करेगी? फिर वो 20 तो नहीं रहेगी ना, फिर तो वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दैट इज स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो अभी के लिए अगर स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला आपने, तो स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए विच इज 20 - 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बी की और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ए की दोनों ही 20 है. तो आप मान के चलिए कि ये कार्यक्रम जब शुरू हो रहा है, जब ड्राइवर ने सोचा कि मैं एक्सेलरेट करना शुरू करता हूं, तो एक तरह से वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक रेस्ट वाली चीज को रीच करने के लिए, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एक तरह से रेस्ट वाली चीज को रीच करने के लिए. नाउ इस सिनेरियो के लिए हमारे पास है टी 50 सेकेंड्स, एस 800 प्लस एक्स, यू 0, ए 1 meter per second square. अप्लाई करते हैं, आंसर हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा. सो हमारे पास इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें एस है 800 प्लस एक्स, यू टी वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि यू 0 है, प्लस हाफ इंटू 1 × 50 का स्क्वायर, राइट. सॉल्व करेंगे इसको एक्स कैलकुलेट करने के लिए, दैट विल बी 1250 - 800, दैट इज 450 meter. 1250 - 800, 450 meter, ये उनके बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस था जब ऐसा करने की सोची उस ड्राइवर ने. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. जितने हमने टॉपिक सीखे हैं उसके ऊपर बहुत तरीके के क्वेश्चंस करवाने की मैंने कोशिश करी है, वैसे ही अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये कैलकुलस का पूरा यूज़ करेगा आपका ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि रिलेशन टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में हमें गिवन है टी इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, जहाँ पर अल्फा एंड बीटा दोनों ही कॉन्स्टेंट हैं, और हमें रिटार्डेशन शो करनी है 2α v³. रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि 2α वेलोसिटी का क्यूब, वेयर v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसा करने से होगा क्या, राइट साइड में जो x का वेरिएबल पड़ा हुआ आपके पास जो कि डिस्टेंस है, उसका डिफरेंशिएशन होने से वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन तक पहुंचते हैं, उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि एक्सेलरेशन तक पहुंच सके. यही होता है तरीका, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, और फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए, राइट. सो टी
इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. सो डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी. सो डी टी बाई डी टी एक तरफ, डी अल्फा एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी बीटा एक्स बाई डी टी दूसरी तरफ. डी टी बाई डी टी वन होता है, अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. सो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू डी टी, एंड बीटा क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी होगा हमारे पास, मतलब डिफरेंशिएशन होगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी. राइट, नाउ वेरिएबल का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो और किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हो, आप एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो बट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x के पावर के साथ जब आप डील करेंगे उसके बाद आपको x से दोबारा डील करना पड़ेगा. राइट, सो हम अल्फा इंटू टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे. ये चेन रूल होता है कि पहले आपको पावर जो है वो 2 नीचे लाए आप, फिर x की पावर में 2 माइनस 1 किया दैट इज़ 1, और इतना लिखने के बाद फिर x का दोबारा से डिफरेंशिएशन साथ में शो किया. यही सोचिए अगर ये डी एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर रहे होते, हम टी के रिस्पेक्ट में ना कर रहे होते, खाली किसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर डी एक्स लिखते और जब ये एक्स स्क्वायर के साथ आप डील कर लेते टू एक्स के साथ, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता, वापस से वन हो जाता. राइट, तो इसीलिए जब आप सेम वेरिएबल के साथ ही डिफरेंशिएशन करते हो जिस वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आपको ये ऐसी टर्म्स नहीं दिखती. लेकिन वेरिएबल है एक्स और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के टर्म्स में, तो फिर ऐसा एक एक्स्ट्रा हमारे को चेन रूल अप्लाई करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है. और ये तो सीधा ही डी एक्स बाई डी टी है, तो क्यों ना बीटा वी लिख दूँ, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी मतलब डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव अस वेलोसिटी. लेफ्ट साइड में वन चल रहा, देखिए यहाँ पर सेम वेरिएबल सेम डिफरेंशिएशन सेम वेरिएबल के ऊपर रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आंसर क्या आ गया वन. यहाँ भी मैं कह रहा हूँ अगर डी एक्स होता तो डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाता, लेकिन क्योंकि डी एक्स नहीं है टी के टर्म्स में है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म शो करनी पड़ेगी पावर के साथ डील करने के बाद. अल्फा टू एक्स इंटू वी प्लस बीटा वी इज इक्वल टू वन, राइट साइड से वी कॉमन लेंगे तो वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा. जब वी आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर होगा 2 अल्फा एक्स और यहाँ होगा बीटा, और वी कॉमन है तो वो टर्म नीचे आ जाएगी 1 के पास डिवाइड होने के, ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया. फाइन, अब आप एक और बड़ी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा. सो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. क्या है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें यही चीज 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर माइनस वन की तरह दिखेगी. राइट, तो पहला काम क्या है हमारा, पावर से डील करना, और जब पावर से डील हो जाए तो अंदर के वेरिएबल के साथ अकेले में डील करना, दैट इज चेन रूल. ये जो अभी हमने किया था, पहले पावर से डील किया था फिर वेरिएबल के साथ अकेले में डील किया था. राइट, सो हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि पावर है माइनस वन तो माइनस वन पहले मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि माइनस वन में मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस वन में माइनस वन होता है दैट इज माइनस टू, तो ये माइनस टू होगा तो ये चीज़ नीचे आके टू हो जाएगी, दैट इज टू अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर टू, क्योंकि माइनस वन में माइनस वन होगा तो वो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टी नीचे आके डिनोमिनेटर में स्क्वायर के टर्म्स में देख सकता है. साथ में मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, क्योंकि पावर से डील कर लिया लेकिन पावर जिसके ऊपर अप्लाइड है अब उससे डील करना बाकी है. माइनस वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ टू अल्फा एक्स, सो बचेगा टू अल्फा, और बीटा के ऊपर डी बाई डी टी अप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीटा क्या है एक कॉन्स्टेंट, तो डी बाई डी टी बीटा के ऊपर अप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, टू अल्फा एक्स के ऊपर अप्लाई करूंगा तो टू अल्फा कॉन्स्टेंट उनके बाहर आएगा, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है वी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वी. अब ध्यान से देखिए, माइनस वन बाय टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर हो रहा है, या आप ये कहेंगे वी का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन है ना वन बाय टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इज द एक्सप्रेशन ऑफ वी,
तो इसका स्क्वायर होना, इसका मतलब वी का स्क्वायर होना, तो ये वाली टर्म मुझे दिखाई दे रही है एज अ वी का स्क्वायर, ये वाली टर्म, ये टर्म एज अ वी का स्क्वायर दिखाई दे रही है, माइनस बरकरार है इंटू में टू अल्फा इंटू वी है, तो क्या माइनस टू अल्फा वी क्यूब हो गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो हमसे चाहते थे टू अल्फा वी क्यूब, लेकिन ये माइनस साइन किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, कि माइनस साइन इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि हम बात कर रहे हैं रिटार्डेशन के बारे में, किसके बारे में, रिटार्डेशन के बारे में, एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ गया। सो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपने डेराइव करना सीखा इस लेक्चर में विद थ्री मेथड्स ऑफ कॉस, अलजेब्रिक, ग्राफिकल एंड कैलकुलस। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ आपने एक nth सेकंड का डिस्टेंस वाला भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, एंड उसके बाद आपने उनके ऊपर चार पांच न्यूमेरिकल्स ट्राई करे जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइन, इसी के साथ इस लेक्चर में फाइनल बात कहता हूँ मैं आपसे, होमवर्क आपका पेज नंबर 24 से लेकर पेज नंबर 35 तक, असाइनमेंट के अंदर पेज नंबर 24 से लेकर पेज नंबर 35 तक सॉल्व एग्जांपल्स या प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, जैसे कि और न्यूमेरिकल्स जिनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं, या फिर ग्राफिकल क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो भी आपने करें इस पूरे चैप्टर में, ये सब अवेलेबल हैं इसके अंदर 24 to 35। ये कंप्लीट करिए होमवर्क नेक्स्ट क्लास से पहले, एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपका कंप्लीट होता है, इसी के साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे मोशन इन अ प्लेन, फाइन, बट तब तक के लिए पहले ये होमवर्क अप्लाई करें। थैंक यू फॉर द क्लास।